हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। आपका स्वागत है इजी होम रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज का इस्तेमाल किए सिर्फ दो चीज से, आलू और सूजी से बनने वाला एक ऐसा कुरकुरा जबरदस्त टेस्टी नाश्ता, जिसे आप बरसात के मौसम में टी टाइम स्नैक या सुबह के नाश्ते में या बच्चों के लंच में आराम से बना सकते हैं। और इस स्नैक को आप एक से दो दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये नाश्ता बनाने के लिए हमने लिया है एक बड़ा सा बाउल, और उसमें डालते हैं एक कप बारीक वाला रवा यानी सूजी सेमोलिना, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। तो ये नाश्ता मैं बिना दही का बता रही हूँ। तो सूजी हमारा अच्छे से फूल जाए, इसका हमें आटा गूंथ के तैयार करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने उबला हुआ पानी लिया है यानी गर्म पानी। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे सूजी में, और हमें इसका घोल तैयार नहीं करना है, हमें आटा गूंथना है। तो पानी धीरे धीरे ही डालें। तो गर्म पानी डालने से सूजी आराम से फूल जाती है, आपको इसे कढ़ाई में पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये बैटर कितना ज़्यादा थिक है, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। एक कप से हमने थोड़ा कम पानी का इस्तेमाल किया है, और जैसे जैसे सूजी थोड़ा फूलेगी यानी हम इसे रेस्ट पे रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा हम इसे गीला नहीं करेंगे। अब हम 20 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट पे रखते हैं। 20 मिनट हमारा हो चुका है और सूजी ने आराम कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये कितना सख्त हो चुका है। तो मैं आपको हाथों में ले कर दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हमारा आटे की तरह सूजी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा उबला हुआ आलू, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया। आलू को कद्दूकस करके ही डालें, ऐसे आलू में कोई भी गुलठी नहीं होता है। और आलू को जब उबाले ना दोस्तों, तो अच्छे से ठंडा कर लें। तो आप चाहे तो फ्रिज में रख के आलू को ठंडा कर सकते हैं, इससे आलू हमारा ड्राई हो जाएगा। गर्म आलू में कद्दूकस कीजिएगा तो आलू इतना ड्राई आपको नहीं नजर आएगा, वो गीला गीला सा होगा। अब हम इसमें डालते हैं दो बड़े चम्मच कटे हुए धनिया पत्ती। धनिया पत्ती सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, बढ़िया सा फ्लेवर आए। एक इंच बारीक कटा अदरक और एक हरी मिर्च डालते हैं। एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक। अगर आपके पास चिली फ्लेक नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चौथाई छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, गरम मसाला ज़्यादा ना डालें क्योंकि हम हल्के मसालों में ये नाश्ता बनाने वाले हैं। और एक चौथाई छोटी चम्मच जीरा। चटपटा स्वाद देने के लिए हम डालेंगे एक छोटी चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और हमने इसमें पहले ही सूजी को गर्म पानी में जब मिक्स किया था तो नमक डाल दिया था, तो नमक हिसाब से डालें क्योंकि चाट मसाला भी नमकीन होता है। अब सारे सामग्री को हमें अपने हाथों से ही मैश करना है, हमें इसे बिल्कुल डो की तरह गूंथना है। तो आप देखिए कितने अच्छे से ये बाइंड हो रहा है, बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं है। जैसे गेहूँ का हम आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये मिक्स हो रहा है। तो जो प्याज लहसुन नहीं खाना पसंद करते, उनके लिए ये नाश्ता बेस्ट है, आप ज़रूर बनाएं। तो बिना लहसुन प्याज का ये नाश्ता आप आराम से एक दिन तक रख भी सकते हैं, लंच में देना हो या सुबह का नाश्ता हो या टी टाइम स्नैक के रूप में इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से सारे सामग्री को मिला लिया है। हाथों को फिर से पानी से धो लें और हल्का सा ऑयल हाथ में लगाएं ताकि मिश्रण हाथ में बिल्कुल भी चिपके ना। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हाथों में आ गया और ये बॉल की तरह बन गया। तो आप इसे गोल भी फ्राई कर सकते हैं या फिर पेड़े के शेप में भी बना सकते हैं। मैं आज इस तरीके से ओवल शेप में बना रही हूँ। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। हमने बना लिया है। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल चढ़ाया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल चढ़ा सकते हैं। तेल हमें बहुत ज़्यादा अधिक गर्म नहीं चाहिए, ज़्यादा गर्म होगा तो डालते के साथ हमारा स्नैक ऊपर से लाल हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। तो मीडियम गरम तेल में हम एक एक स्नैक को प्लेट से इस तरीके से उठाएंगे और फिर से हल्का सा शेप देते हुए हम ऑयल में डालते हैं। एक मिनट के बाद ही हम स्पैचुला कढ़ाई में डालेंगे और इस तरीके से उलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये फ्राई हो रहा है,
बिल्कुल भी टूटा नहीं है, तो बिल्कुल भी टूटा नहीं है और काफ़ी बढ़िया कलर आया है। तो ये नाश्ता हम सूजी का बना रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी बताने का ज़रूरत नहीं कि ये कितना कुरकुरा होगा। तो हमने इस स्नैक को 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। फ्लेम को कम करके हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सेकंड बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा सुपर टेस्टी बहुत आसान सूजी आलू का बिल्कुल आसान नाश्ता। आपने देखा इसे मैंने कितने आसान तरीके से बनाया। अब मैं एक सूजी आलू के रोल को उठाती हूँ, और सूजी का है तो आपको पता ही होगा कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। तो ये क्रिस्पी के साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ तो कितना आसानी से टूट गया। तो ये नाश्ता आपको खा के बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप इस स्नैक को अपने किसी भी फेवरेट डिप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैं टमाटो केचप के साथ सर्व की हूँ, आप ग्रीन चटनी, पीनट चटनी किसी के भी साथ खाइए, बहुत मज़ा आने वाला। आप इस आसान से नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।